स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से जीके क्विज की वीडियो लेके आया हूं। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए एक जीके क्विज की वीडियो चैनल पर अपलोड करता हूं, जिसमें 10 मजेदार सवालों को हम डिस्कस करते हैं। आज भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें से कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो कैसे लगे आपको आज के हमारे 10 मजेदार सवाल, जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं, 10 मजेदार सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला सवाल है, आंखों का कैमरा कितने मेगापिक्सल होता है, ये आपको बताना है। क्या है सवाल? आंखों का कैमरा कितने मेगापिक्सल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हैं। सबसे पहला है 566 मेगापिक्सल, सेकंड ऑप्शन है 576 मेगापिक्सल, थर्ड ऑप्शन है 586 मेगापिक्सल, लास्ट ऑप्शन है 596 मेगापिक्सल। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा दोस्तों, और आपका इस सवाल का सही जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 576 मेगापिक्सल होता है हमारी आंखों का कैमरा। नीचे इमेज दी हुई है हमारी आंखों की, तो आंखों का कैमरा कितने मेगापिक्सल होता है दोस्तों, याद रखिएगा 576 मेगापिक्सल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, दुनिया के पहले प्रेग्नेंट पुरुष का नाम आपको बताना है। क्या है सवाल? अच्छे समझिए, दुनिया के पहले प्रेग्नेंट पुरुष का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है हैरी, सेकंड ऑप्शन है थॉमस, थर्ड ऑप्शन है पीटर और लास्ट ऑप्शन है डेनियल। आपको बताना है दुनिया के पहले प्रेग्नेंट पुरुष का नाम क्या था। तो आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एक ऐसा पुरुष था जो सबसे पहले प्रेग्नेंट पुरुष थे दुनिया के पहले। नीचे इनकी इमेज भी दी हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट पुरुष का नाम क्या था, थॉमस, और इनकी नीचे इमेज भी दी हुई है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को सॉकर नाम से किन दो देशों में जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या है? फुटबॉल के खेल को सॉकर नाम से किन दो देशों के बीच में जाना जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अमेरिका और लंदन देश में, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान देश में, थर्ड ऑप्शन है जापान और चीन देश में, और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा देश में। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा इस सवाल का सही जवाब है। आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और कनाडा देश दो ऐसे देश हैं जहां पे फुटबॉल के खेल को सॉकर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था, इसके बारे में आपको बताना है। क्या है सवाल? सबसे पहला जो मोबाइल फोन था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है सैमसंग कंपनी, सेकंड है लावा कंपनी, थर्ड ऑप्शन है मोटोरोला कंपनी और लास्ट ऑप्शन है नोकिया कंपनी। तो आपको बताना है सबसे पहला मोबाइल फोन किस कंपनी का था। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटोरोला कंपनी का सबसे पहला मोबाइल फोन था। नीचे इमेज भी दी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन फोर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोटोरोला कंपनी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संसार में एकमात्र ऐसी जगह का नाम बताइए जहां आप सूर्य को पैसिफिक ओशियन से उगते हुए देखते हैं और अटलांटिक ओशियन में अस्त होते देख सकते हैं। तो आपको संसार में एकमात्र ऐसी जगह का नाम बताना है जहां पर आप सूर्य को पैसिफिक ओशियन से उगते हुए देखेंगे और अटलांटिक ओशियन में अस्त होते हुए देख सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्वे, थर्ड ऑप्शन है कोणार्क, लास्ट ऑप्शन है पनामा। इन चारों जगहों में से ऐसी कौन सी जगह है जो संसार के एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर सूर्य पैसिफिक ओशन से उगता है और अटलांटिक ओशन में अस्त होते हुए दिखता है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
पनामा एक ऐसी जगह है जहां पर सूर्य पैसिफिक ओशन से उगते हुए दिखता है और अटलांटिक ओशन में अस्त होते हुए में दिखता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पनामा जगह। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, रामोजी फिल्म सिटी कहां स्थित है ये आपको बताना है। क्या है सवाल, रामोजी फिल्म सिटी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है मुंबई और लास्ट ऑप्शन है दिल्ली। तो आपको बताना है रामोजी फिल्म सिटी कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन 6th का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी स्थित है। नीचे इमेज भी दी है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, हैदराबाद जगह में। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे ज्यादा उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने का खिताब किसके नाम है। क्या है सवाल, सबसे ज्यादा उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने का खिताब किसके नाम है, इसका नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं। पहला नाम है ऑस्कर ली, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्कर स्वान, थर्ड ऑप्शन है स्वान ली और लास्ट ऑप्शन है क्रिस ली। बताना है इन चारों नामों में से कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सबसे ज्यादा उम्र में ओलंपिक मेडल जीता था। तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की ओर, आपका समय स्टार्ट होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर फॉन, जिनके नीचे इमेज भी दी हुई है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में ओलंपिक मेडल का खिताब अपने नाम किया था। शूटिंग के प्लेयर थे दोस्तों, नीचे इमेज में आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है, इसके बारे में आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे स्क्रीन पे दिए हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है रूस कंट्री, सेकंड है पेरिस कंट्री, थर्ड है चीन और लास्ट ऑप्शन है कनाडा। तो इसमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा देशों से लगती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चीन देश। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है एटीएम का आविष्कार किसने किया। क्या है, एटीएम का आविष्कार किसने किया, इसका नाम आपको बताना है, इन्वेंटर का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सोल्स, सेकंड ऑप्शन है सिले, थर्ड ऑप्शन है बैरन और लास्ट ऑप्शन है कॉल्सी। तो आपको बताना है इन चारों इन्वेंटर में से कौन सा एटीएम का आविष्कारक है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैरन, जॉन शेपर्ड बैरन जो है ये एटीएम के आविष्कारक थे। यहाँ पे इनका नाम आपको याद रखना, नीचे इमेज भी दी हुई है दोस्तों। तो एटीएम के आविष्कारक का नाम क्या था, जॉन शेपर्ड बैरन। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा अंतिम सवाल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आपको बताना है। क्या है सवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, सेकंड ऑप्शन है आगरा उच्च न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है पुणे उच्च न्यायालय और लास्ट ऑप्शन है लखनऊ उच्च न्यायालय। तो आपको बताना है इस अंतिम सवाल का सही जवाब क्या होगा, आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। यानी हमारे अंतिम सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आगरा उच्च न्यायालय। दोस्तों यह हमारा अंतिम सवाल था, कैसे लगे आपको आज के हमारे 10 मजेदार सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों लाइक करके वीडियो को हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाए, सभी दोस्तों को अपनी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब जुड़े नहीं है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका, जय हिंद।